हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एरोमेटिक एल्डिहाइड का प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टी को खत्म कर लिया था, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ टेस्ट पे। तो देखो, अब टेस्ट ऑफ आर सी एच ओ का मतलब एरोमेटिक एंड कीटोन, इन तीनों का टेस्ट को अब हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होंगे। सबसे पहला आता है बच्चों आपका डीएनपी टेस्ट, ठीक है। डीएनपी टेस्ट आपका, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपका डीएनपी टेस्ट आपका होता क्या है। जैसे मैंने कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन NH2NH2,4-dinitrophenyl, ऐसा मैंने बताया था आपको, 2,4-dinitrophenyl के साथ जब मैं रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पर ये आपका H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। जब आपका H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो यहाँ पर आपका इस तरीके से कंपाउंड आपका फॉर्म होता है बच्चों। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दिस टेस्ट कैन बी गिवन बाय आर सी एच ओ एंड आर सी ओ आर, मतलब तीनों के साथ कीटोन भी दे सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और आपका जहां पर RCHO भी दे सकता है। सेकंड टेस्ट आपका यहां पर फेलिंग टेस्ट, आप ध्यान से समझना, यहां पर फेलिंग टेस्ट आपका होता क्या है बच्चों। फेलिंग टेस्ट में आपका क्या होगा कि यहां पर आपका कोई आपका RCHO, ध्यान से समझना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अगर मैंने सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्यूशन में डिप करूंगा तो यहां पर आपका क्या बनेगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आपका क्या होगा, C डबल ओ एच, ठीक है। H को रिप्लेस कर दो सोडियम पोटेशियम से तो यहां पर Na+- यहां पर प्लस और K+। अब सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को अगर मैंने CuSO4 के साथ डिप किया था तो यहां पर इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा C डबल ओ माइनस, और ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा, Cu+2, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन। अब इसकी रिएक्शन जब मैं RCHO के साथ कराऊंगा तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा RCOOH में, और साथ में आपका Cu2O ब्रिक रेड कलर का आपका क्या निकाल देगा, PPT निकाल देगा। तो ये टेस्ट केवल और केवल कौन देगा, ये टेस्ट, दिस टेस्ट ओनली गिवन बाय RCHO, केवल और केवल आपका RCHO ये वाला टेस्ट देगा, ना ही आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड देगा और ना ही आपका कीटोन देगा। ऐसा ही सिमिलर मिलता जुलता एक और टेस्ट है बच्चों, यहाँ पर बेनेडिक्ट टेस्ट। आप देखो, बेनेडिक्ट टेस्ट आपका कौन देगा, ध्यान से समझना बच्चों, CuSO4 सॉल्यूशन को अगर मैंने सोडियम पोटेशियम सिट्रेट के साथ मिला दिया, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट का मतलब ये आपका Na+ COH OH C डबल ओ K+। देखो बच्चों, इसको यहां पर H होता, यहां पर H होता तो इसको क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड। यहां पर H होता तो यहां पर H होता तो इसको क्या बोलते हैं, टार्ट्रिक एसिड। अब H हटा के मैंने लगा दिया तो इसलिए मैंने क्या बोला, सिट्रेट। तो यहां पर आपको क्या बन जाएगा बच्चों, C डबल ओ माइनस, यहां पर C OH OH C डबल ओ माइनस, और ये आपका क्या बन जाएगा, Cu+2, ठीक है। अब ये आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बन गया। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में RCHO को डिप करूंगा तो मुझे इसका क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और फिर से आपको क्या बना लेगा, Cu2O रेड ब्रिक कलर की पीपीटी इंक्रीज करेगा, और सिमिलर रेड ब्रिक कलर की पीपीटी बनाएगा, और सिमिलर ये जो आपका टेस्ट होगा, दिस टेस्ट ऑल्सो गिवन बाय ओनली RCHO, ये टेस्ट आपका केवल और केवल कौन देगा, This test only given by RCHO, केवल और केवल RCHO देगा। अब हम फोर्थ समझते बच्चों, फोर्थ आपका टोलेंट रिएजेंट टेस्ट। अब देखो, टोलेंट रिएजेंट टेस्ट आपका होता क्या है, काफी इजी कंसेप्ट है। देखो, टोलेंट रिएजेंट टेस्ट आपका क्या होता है, सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स, मतलब देखो, अगर मैंने यहां पर RCHO या फिर ARCHO की रिएक्शन मैंने AgNH3 twice, ठीक है,
और यहाँ पर मेरा NO3, NO3 की जगह आपका Cl- भी हो सकता है, Br- भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मतलब दोनों की, दोनों आपके रिएक्शन देंगे, दोनों की रिएक्शन जैसे ही मैंने कराया तो RCHO को RCOOH और ARCOOH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में आपका सिल्वर कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर। और ध्यान से समझना, ये टेस्ट आपका कौन कौन देगा, एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड। दिस टेस्ट कैन नॉट गिवन बाय कीटोन। ये टेस्ट आपका केवल और केवल कौन नहीं देगा, कीटोन नहीं देगा। नाउ अब हम चलते बच्चों नेक्स्ट टेस्ट पे, सोडियम नाइट्रोपुरसाइड टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट, फिफ्थ टेस्ट बच्चों, सोडियम नाइट्रोपुरसाइड टेस्ट। अब देखो सोडियम नाइट्रोपुरसाइड आपका होता क्या है, Na2FeCN5NO, यहां पर 2H2O। अब ध्यान से समझेंगे कि सबसे पहले हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है HCS3। अब इसको अल्कलाइन मीडिया, मतलब OH माइनस के साथ यहां से आपका क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करके ले जाएगा और यहां पर क्या बना लेगा बच्चों, CH2 माइनस COH, ये बना देगा। नाउ अब मैं इसकी रिएक्शन यहां पर ध्यान से FeCN5NO के साथ कराऊंगा, ठीक है। जब मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ कराऊंगा तो यहां पर रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बना देगा FeCN5NO और यहां पर CH2CHO, इस टाइप का आपका कॉम्प्लेक्स बना देगा, जो कि आपका कौन से कलर का होगा, रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब बात को ध्यान से समझने वाली बात यह है कि यहां पर अल्कलाइन मीडिया है, तो अल्कलाइन मीडिया ने सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप किया, तो इसमें वही आपके कंपाउंड का टेस्ट देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। दिस टेस्ट कैन बी गिवन बाय ओनली दूस कंपाउंड्स विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, जो आपका क्या रखे बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन को रखे, वही कंपाउंड आपका ये वाला टेस्ट देगा। और आपका लास्ट जो फाइनल टेस्ट है वो कौन सा है बच्चों, स्विच रिएजेंट टेस्ट, ठीक है, सिक्स रिएजेंट टेस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझना, स्विच रिएजेंट टेस्ट आपका किस तरीके से क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मतलब आपका कीटोन दे सकता है और एल्डिहाइड दे सकता है। देखो बच्चों एरोमेटिक एल्डिहाइड आपका ये वाला टेस्ट नहीं देगा। अब देखो स्विच रिएजेंट टेस्ट कैसे होगा, ध्यान से समझना। देखो RCHO की रिएक्शन अगर मैंने स्विच रिएजेंट के साथ करा दिया तो ये क्या बना देगा, एक रेड कलर कॉम्प्लेक्स बना देगा, रेड कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बच्चों आपसे फॉर्मूला कभी नहीं पूछा जाएगा, कि इसका फॉर्मूला क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा रेड कलर कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो रेड कलर कॉम्प्लेक्स आपका कौन कौन आपका ये वाला टेस्ट देगा बच्चों, ध्यान से समझना, ये वाला आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड और RCHO, ये वाला टेस्ट आपका क्या देंगे, इन दोनों में पॉजिटिव टेस्ट होगा। तो ध्यान से समझना बच्चों, ये टेस्ट आपको कुछ हद तक आपको मगअप करने पड़ेंगे। तो इस टेस्ट के बारे में अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आई होप कि आप लोगों को पूरे टेस्ट आपको याद हो जाएंगे, काफी इजी है, कोई इसमें आपका रॉकेट साइंस नहीं है। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।